सुजानपुर में पड़ता जुग्याल, जिसको मिनी चंडीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आजकल यहाँ फैली गंदगी इसकी खूबसूरती को ख़त्म कर रही है। इस बारे में स्थानीय लोगों ने टुडे हेडलाइंस चैनल को बताया है कि जहाँ गंदगी फैली हुई है और आवारा पशुओं की गिनती में भी बहुत इजाफा हुआ है, वहीं प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण जुग्याल की खूबसूरती कहीं ना कहीं कम हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के आगे मांग की है कि कृपया इस ओर ध्यान दिया जाए। मैं रोशनलाल भगत, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट SEBC एम्प्लॉयज फेडरेशन पंजाब और तालमेल सकत्तर सांझी एक्शन कमेटी रणजीत सागर डैम शाहपुरकंडी। ये सवालक दियां पहाड़ियां विच बनी हुई जिहड़ी रणजीत सागर डैम शाहपुरकंडी दी कलोनी है, ये मिनी चंडीगढ़ के नाम ना जानी जाती सी, क्योंकि इत्थे स्ट्रीट लाइट लगिया सगिया, सड़क वधिया बनिया सगिया, पर अज ये किसी पिंड के खोले नालों भी जिहड़ी माड़ी कलोनी जिहड़ी हो चुकी आ। थां थां गंदगी के ढेर लगे हुए ने, भंगा उगिया हुई ने, कोई सफाई नहीं हो रही। तुसीं जाके चैक कर सकते हो, T2 आ, T1 आ, या इधर का जिहड़ा एरिया सारे बहुत सारा गंद पिया सड़कों के उत्ते, जिहड़े गंद लिफाफे आ, इवन के लेडीज़ के यूज़ किए सैनिटरी पैड वो भी इतने बाहर सड़कों के उत्ते कुत्तियां ने लिया लिया खिलारे हुए। इन्नी गंदगी हैगी आ, बीमारी का घर बनी हुई है कलोनी। पिछले समय के इतने लखां रुपये ला के इन्होंने जिहड़ा सीवरेज का जिहड़ा सफाई कराई आ, वह भी ढंग तरीके नहीं हुई। उस तरह ही हाले वो जिहड़ियां पाइपां जिहड़ियां जिन्हों विचों साफ करना सीगा वो साफ नहीं किया, बाहर मेन रोड से जिहड़े वो करके तो जिहड़ा खर्चा जिहड़ा वो पा दिता गया वा। इस करके ये हुण कलोनी नहीं, ये एक समझो भी खोला बन चुकी है जिहड़ी, ये पछड़े हुए पिंड तो भी ज़्यादा इहदी बुरी हालत हैगी आ। मैं एक गल होर कहनी चाहना क्वार्टरां दे उपर, भी क्वार्टर जिहड़े आ जिद्दां T2 आ, T1 आ, बहुत सारी कलोनी जिहड़ी उजड़ चुकी है, पर जिहड़े जिथे लोग रह रहे ने उस एरिए दे विच जिहड़े उपर वाले लोग मतलब क्वार्टर आ जिहड़े लाट नहीं किए गए, वो लाट ना होए क्वार्टर जिहड़े खोले बंदे जा रहे आ, उहदे दरवाजे हैं नहीं, उहदियां खिड़कियां जिहड़ियां टुट भज गई। मेरी ये पंजाब सरकार नूं यह बेनती आ और डैम प्रशासन नूं यह बेनती आ कि जिहड़े क्वार्टरां दे विच लोग रह रहे आ वो अपने कोलों पैसे खर्च करके वो क्वार्टर उन्होंने बचाए हुए ने। अगर ये क्वार्टर जिहड़े आ किराए ते दित्ते जाण जिहड़े खाली पए आ और ये कलोनी बच सकदी आ, मैं प्रशासन नूं यही बेनती करनी चाहुंदा कि ये जिहड़ी कलोनी आ ये लोगों नूं दित्ती जावे, इहदी साफ सफाई की जाए ता कि ये लोगों का वधिया जिहड़ा जिहड़ा वो कलोनी बन सके और लोग बीमारियों तो बच सकन। पहला ये भी इतने लेडीज़ सगिया जिहड़ियां दक्षणी भारत दियां सगिया जिहड़े जिवें कि वो उन्हां दा मतलब उन्होंने ये ड्यूटी लाई होंदी सीगी, इत्थे अज एक भी इंप्लाइज जिहड़ा हैगा वो मतलब जिहड़ा इत्थे कोई सफाई करन वाला नहीं हैगा, क्योंकि वो बीबियां बेचारियां लगियां होंदियां सी, वो काम बड़ी प्रीत नाल करदियां रहियां, हुण इत्थे को है ही नहीं गा मतलब जिहड़ा सफाई करन वाला, एक भी इन्हां को वो नहीं लाया होया इन्हां ने बेलदार। पंजाब सरकार ने जिहड़ियां पोस्टां ने वो घटा के जिहड़ियां वो इन्नियां कर दित्तियां कि जिहड़ी जरूरत सी वाधा करन दी सगों उल्टा घटा दित्ता गया। मैं तुहानूं इह गल दसणी चाहुंदा कि इत्थे सिर्फ 4 जिहड़े सीवरमैन ने, उन्हां विच्चों 2 बीमार ने, उन्हां दी हालत ठीक नहीं हैगी, और आ T7 तो लै के T1 तक जिन्हें भी है वो 2 बंदे जिहड़े सफाई करनगे, उस 8 घंटे लगातार भी काम करदे ने, दसो किन्नी कि सफाई कर लैणगे। साडी इह मंग इह हैगी वी प्रशासन जिहड़ा इहदे वल ध्यान देवे, पंजाब सरकार इहदे वल ध्यान देवे। जॉइंट एक्शन कमेटी ने बार बार इत्थे मीटिंगां कीतियां, इत्थे साडे सुख सरकार या मानयोग मंत्री साहब आए सी सिरे जल स्रोत विभाग दे, उन्हां ने मन्निया सी कि 2 महीने दे विच विच जिहड़े क्वार्टर आ लीज़ ते देवांगे या इहदा कोई होर प्रोसीजर बना के लंबे समय तक लोगों नूं जिहड़े ओह किराए ते दे दित्ते जाणगे। वो कोई प्रोसीजर जिहड़ा लागू नहीं होया। SK सलूजा जिहड़े इत्थों दे जिहड़े अज GM लाए ने, उन्होंने मतलब बिल्कुल साडी गल नहीं सुनी, इस चीज़ नूं नकार दिता गया आ। वो मतलब सारे तो इत्थे यूनियन हैगा इत्थों वड्डे जिहड़े अफसर हैगे आ, और उन्होंने इत्थे GM लाता जबकि इत्थे GM दी पोस्ट की लोड़ ही नहीं हैगी। इस करके मेरी ये पंजाब सरकार नूं बेनती आ कि इन्हां चीज़ों की जिहड़ी इनकवायरी होनी चाहिए, जिवें सीवरेज दे हैगा लखां रुपये पा दिते आ, सीवरेज की जिहड़ी सफाई बिल्कुल ठीक नहीं होई गई, और इत्थे जिहड़े GM लाए गए इहदी इनकवायरी होनी चाहिए वी की वाकई इत्थे जरूरत हैगी आ, ये GM पोस्ट की जरूरत ही नहीं हैगी। इत्थे 18,000 जदों लोग वर्कर काम करते सीगे उदों जरूरत सीगी, हुण इन्हां ने घटा के पोस्टां 2,000 कर दित्तियां दोवां डैमां दीआं, और जिहड़े उहदे विच्चों बहुत सारियां पोस्टां जिद्दां इलैक्ट्रीशियन ने साडे इत्थे जरूरत हैगी सारे स्पेयर कर दित्ते आ, टर्नर स्पेयर कर दित्ते आ, कित्थे जाणगे लोग, सरकार कर की रही आ,
ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ 2016 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਗਿਆਨ ਝਰੂੰਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਟਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡੈਮ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿੰਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਕਲੋਨੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਕਲੋਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਆਟਰ ਬੜੇ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕੁਆਟਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਕੁਆਟਰ ਕੰਡਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਘੋੜੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਿੰਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਸਫ਼ਰ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ 700 ਸੀ, 1500 ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਿਸ਼ਵਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐੱਮ ਸੀ ਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹਜੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਟਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਲ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੀਆ ਦੀ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, BJP ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, BEd ਕੀਤੀ ਹੈ, BSc ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਇੰਟਕ ਜਥੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੜਨੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਟਕ ਜਥੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਰਾਗੀ ਹੋਮ ਡੈਕੋਰ, ਗਿਵ ਯੋਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸਿਸ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਵਾਲਸ, ਸੀਲਿੰਗ, ਫਰਨੀਚਰ ਐਂਡ ਡੋਰ ਪੈਨਲ ਐਂਡ ਐਲੀਗੈਂਟ ਲੁੱਕ। Expert in UV PVC wall wallpapers, partition jali, wood flooring. आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यावसायिक स्थलों को 100% eco-friendly, 100% moisture-proof, 100% termite-proof, excellent weatherability, sound-reducing, fire-retardant, recyclable and lightweight, जैसी खूबियों से भरी शीट्स
बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540060113।